एंड जिस चीज का डर था वही हुआ, जैसे हमने पेंट का डब्बा खोला हो गया। ये भगवान, केयरफुल केयरफुल, अपना हाथ ना तोड़ लेना। सेकेंड जुलाई से मैंने मेरा बैकयार्ड का काम शुरू करवाया था और आज है 20th जुलाई। एंड आई अंडरस्टैंड आप लोगों को बैकयार्ड देखने का बहुत ज़्यादा मन है। इनफैक्ट हमारे जो बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं निलेश, उसने भी कमेंट किया, बोला कि भाई सब लोग वेट कर रहे हैं पूरा बैकयार्ड ट्रांसफॉर्मेशन देखने का। आई नो सब लोग वेट कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं और आंचल हम दोनों मिलकर आपको पूरा बैकयार्ड का टूर दें। बट बिलीव मी, अभी भी बहुत सारे काम पेंडिंग है जिस वजह से हम ये बैकयार्ड टूर शुरू नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो देखो डिले हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्टर के वजह से, क्योंकि वो बीच में 3 दिन चला गया। आने के बाद मैंने फिर वो काम आधे दिन पे कर रहा था, कोई दिन पे नहीं कर रहा था, तो वहाँ हमारा डिले हुआ। फिर उसके बाद जब बन गया, हमने फर्नीचर ऑर्डर किया, फर्नीचर पे डिले हुआ। अभी भी मैं आपको बताऊं, आधा फर्नीचर आया तक नहीं है। जैसे हमने वहाँ जो एक डेक बनाया हुआ है उसका फर्नीचर अब तक नहीं आया है। इस डेक के लिए हमने फर्नीचर ऑर्डर किया है, वो अब तक नहीं आया है। वहाँ एक कॉर्नर में हमको जो डेकोरेट करना है वो अब तक नहीं आया है। सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बैकलॉग में चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको आधा टूर दूँ तो मुझे खुद को मन नहीं कर रहा है कि आधा टूर आपको कैसे दूँ मैं, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा। एक बार जब पूरा बैकयार्ड सेटअप हो जाएगा, तब जब मैं आपको टूर दूंगा, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, तब वो अलग ही एक एक्सपीरियंस होगा। और मैं आपसे बस एक ही चीज़ मांगूंगा, प्लीज़ थोड़ा सा और वेट कर दीजिए। सो सॉरी थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। पूरा जो कंट्रोल है इज़ बेस्ड ऑन द शिपिंग। मैंने आई थिंक कितने दिन पहले से अपना फर्नीचर ऑर्डर कर दिया, लेकिन वो अब तक नहीं आया है, तो उस वजह से थोड़ा डिले चल रहा है। प्लीज़ बेयर विद अस गाइज, एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही हमारे वीडियोज़ देखते रहिए। व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अब अगर आपको याद हो, हमने बताया था कि हमको ये डेक जो है स्टेन करना है, और स्टेनिंग का सबसे पहला प्रोसेस जो है इसको सैंड डाउन करना, वो हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया था कल शाम को। ऑफिस खत्म करने के बाद सबसे पहला काम किया है कि टी शर्ट बदल दिया है, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि जब मैं काम कर रहा हूं तो वो व्हाइट टी शर्ट खराब हो। अभी एकदम वो लेबर वाले कपड़े ना उसमें आ गए हैं, क्योंकि मैं देखो आपको दिखाता हूं, ये जैसे आप देख रहे हो ये वाला जगह देखो कैसा एकदम ऐसे यू नो ऐसे धार निकली हुई है, या क्या बोलते हैं जो भी ऐसे छोटे छोटे वुड के पीसेस निकले हुए हैं, तो इसको मेरे को सैंड करना है। ये सब जगह पे आप देखोगे ना, जहां जहां देखोगे ना, ये देखो यहां पर, ये यहाँ पर देखो कैसा ये निकला हुआ है। अगर मैं ऐसा हाथ रखूंगा तो कल को ऐसा हो सकता है कि कभी ये लग जाएगा। मैं अभी शुरू कर रहा हूँ यहाँ का सैंड डाउन करना। ये देखो कौन आ गया। हाय हाय बॉडी बिल्डर, टिकी शो योर बॉडी। हाँ हाँ हाँ, ओ हो, ये क्या, कैन वी प्लीज गो टू द पार्क। हाँ हाँ हाँ, ये देखो कितना प्यारा बनाया है इसने यहाँ पे। कैन वी प्लीज गो टू द पार्क, कैन वी प्लीज गो टू द पार्क नाउ, इट्स अ हॉट डे। ओ हाउ स्वीट। तो अभी ऐसे बोल रहे हैं तो फिर ऑफकोर्स यार काम तो बाद में करना पड़ेगा। मोस्टली जाएंगे अभी पार्क, जाके खेल के आते हैं, फिर उसके बाद बैठ के ये काम करते हैं। चले चलो बच्चा बैठे चलो। तो यार 8:30 बज गया और अभी हम लोग रिटर्न आए हैं घर पे। इन लोग घर पे रिटर्न आने को रेडी नहीं होते, पता है पूरा टाइम झूला करना है। तीर्थ को इतना मजा आता है ना पार्क में, उसको सिर्फ बोलो पार्क और वो ऐसे जम मारने लगता है, खुश होने लगता है। एनीवेज, क्योंकि अभी समर है ऑफकोर्स, है ना, डे लाइट रहती है, 9:15 बजे तक रहती है, तो फटाफट अभी जितना टाइम बचा है उतने टाइम में मैं जितना हो सकता है उतना तो मैं कर लेता हूँ सैंडिंग, बाकी जो बचेगा वो कल सुबह उठ के करेंगे। तो आंचल ने बोला कि पहले ये जो एजेस है ये करने के लिए, मैंने सबसे पहले वो जो हाथ रखने के लिए मैंने पहले वहाँ शुरू किया था, बट शी इज़ लाइक वहाँ मत करो शुरू, यहाँ शुरू करो, तो ये एजेस करते हैं स्टार्ट। अभी ना कल के दिन पे वो हाथ से जब मैं सैंडिंग कर रहा था ना, इतना हाथ दर्द हो रहा था, मैंने मुश्किल से बताया सिर्फ 15 से 20 मिनट किया होगा, एंड आई वाज लाइक भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा होम डिपो जाके आते हैं, वहां से देख के आते हैं कि अगर कोई ऐसा मशीन वाला सैंडर है क्या, मशीन वाला अगर सैंडर मिल जाएगा, क्या गर्म है गाड़ी, अगर मशीन वाला सैंडर मिल जाएगा ना तो उससे अपना काम जल्दी भी हो जाएगा, प्लस थोड़ा यू नो मेहनत कम भी लगेगा। तो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ होम डिपो, वहां जाके चेकआउट करने के लिए, अगर कितने का मिलता है, अगर रेंट पे मिलता है, क्या उनका फंडा है, वो सब थोड़ा समझ के आता हूँ। तो यहाँ पे देखो इनके पास सैंडर्स अवेलेबल है ये सारे, जैसे ये राउंड वाला है, ये आई थिंक रिडगिड का है, ये $89 का है, ये वाला जो ट्राइंगल में है ये $39 का है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग है, $99 का है, $94 का है, $84 का है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स है। यहाँ पे जो बंदा है वो काम करता है, उसने मेरे को बोला कि आप अगर ये ट्राइंगल वाला लोगे ना, ये वाला इतना अच्छा नहीं है जितना ये राउंड वाला अच्छा है, बिकॉज राउंड वाला जो है ना वो अच्छे से स्पिन करता है, ये जो है सिर्फ वाइब्रेट करता है। तो मैंने कहा यार फिर अगर लेना ही है, अगर मैं ब्रांड न्यू ले रहा हूँ तो फिर मैं ऑफकोर्स मैं ये वाला लूंगा $89 का, लेकिन यही वाला सेम मेरे को रेंट पे दे रहे हैं वो लोग
$13 फॉर 4 आवर्स। तो मैंने कहा यार $90 क्यों डालू, मैं $13 में रेंट पे ले लेता हूँ। ये है इनका रेंटल स्पेस है, यहाँ पर आप देखोगे ना बहुत सारी चीज़ें रेंट पे। ये देखो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें, ये सब जो आप देख रहे हो ना सब कुछ रेंट पे है यहाँ पे। ये सारे प्रोडक्ट्स, ये प्रेशर वॉशर जितना भी देख रहे हो सबका डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग है। मैंने यहाँ से ये बड़ा वाला सैंडर भी है, और ये बड़ा वाला सेंटर का देखो प्राइसिंग देख लो, आई थिंक टूल रेंटल $56 फोर आवर्स से। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार ये, तो मुझे लगता है ये अच्छा तरीका है ना, जिसको ख़रीदना नहीं, जिसको सिर्फ एक बार प्रोजेक्ट करना, जैसे हम लोग हैं एक ही बार प्रोजेक्ट करना है, तो आई थिंक यहाँ से आके ले लो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब अगर आपको याद हो मेरा जो बैकयार्ड था, बैकयार्ड का फ्लोर था, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने पूरा प्रेशर वॉश किया था, बहुत बड़ा वाला प्रेशर वॉशर लेके आया था। अब वो अगर मैं सिर्फ सर्विस किसी से लूँ तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, आई थिंक $250-$300 तो पक्का चार्ज करेंगे, ये तो पक्की बात है, क्योंकि उनका लेबर का चार्ज लगेगा, उनका मशीन का चार्ज रहेगा, गैस का चार्ज रहेगा। यहाँ पर एग्जैक्टली वही मशीन 4000 PSI की है रेंट पे, एंड यू वोंट बिलीव कितने की है, 4 आवर्स के लिए सिर्फ $74 में ये मिल सकता है। देखो पानी तो उसने मेरे घर से यूज किया, बाकी लेबर उसका टाइम लगा, ऑफकोर्स हम भी कर सकते हैं वीकेंड पे, $75 का ये $20-$25 का पानी ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो लगेगा, एंड आपकी मेहनत $100 के अंदर आपका बैकयार्ड फिर से चमक सकता है। दिस इज अ बेटर वे राइट। अरे यार छोटा पंगा हो गया, एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं यूजुअली बिना वॉलेट के आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे फो जो वॉच है ना उसी से सारे पैसे वैसे टैप वैप हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि उनको फिजिकल क्रेडिट कार्ड चाहिए एंड ड्राइवर्स लाइसेंस भी चाहिए उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, क्योंकि मैं कुछ रेंट पे ले रहा हूँ। तो मैंने कहा यार फिर घर जाके फिर वापस आना पड़ेगा, थोड़ा टाइम वेस्ट होएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं यार, पैसे बच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे मैंने। ऑलराइट द जवान इज ऑल सेट। मैंने ले लिया ये वाला सैंडर रेंट पे, और साथ में मैंने उनसे ये एक रेंटल प्राइस लिस्ट भी ले ली सारी चीज़ों की, कुछ भी अगर आपको रेंट पे चाहिए तो उसका पूरा प्राइसिंग लिखा हुआ है। मैंने कहा कभी कुछ काम आएगा तो घर पे पड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। सबसे पहला श्री गणेश करने के लिए आंचल आ गई है, वो स्टार्ट करेगी। करो शुरू करो भाई, आज का मजदूरी शुरू करो लेबर। गुड जॉब। कैसा, इजी है, बेटर देन डूइंग इट विद हैंड? और यहाँ पे हम बदल रहे हैं पैड चेंज और शिफ्ट भी चेंज, क्योंकि अभी मैं जाऊँगा अंदर खाना वाना खाऊंगा और आंचल अब करेगी बाकी का जितना भी जो बचा हुआ है। हालत ख़राब हो गई है यार, तुम अगर आंचल अगर वो निकालोगे ना पूरा नाक के अंदर जा रहा है, और ग्लव्स उधर साइड में पड़ा हुआ है, बहुत हालत ख़राब होती है यार। ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है, ईजी नहीं है, बहुत बहुत मेहनत बहुत है, मतलब ना खड़े खड़े धूप में खड़े खड़े करना है। और आज खाने में देखो क्या बनाया है, आपको दिखाता हूँ। आज स्पेशल है खाना, यहाँ पर अंडे हैं और ये तो कैरेट्स वगैरह तो मैं खा चुका हूँ, और आज बना है ढोकला। अरे वाह, यहाँ पर देखो इतना सारा बनाया हुआ है आंचल ने, एंड मेरे को घर से कॉल आना भी शुरू हो गए, क्योंकि इंडिया में बज गए हैं 12 तो मेरा बर्थडे हो गया है शुरू। तो ये रहा, मैं अपने डैड से बात कर रहा था। हाय हाय, विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कहाँ है मम्मी और निकू, कहाँ है? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये मेरा भाई निकू और निखिल मतलब, और मेरी मॉम भी आई थिंक वहीं कहीं पर है, तो वो लोग सब विश कर रहे हैं। अभी कॉल आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इंडिया में बर्थडे शुरू हो गया। ये सबसे बेस्ट चीज होती है पता है, जब आप बाहर रहते हो ना तो आपको ऑलमोस्ट 1.5-2 दिन का बर्थडे मनाने मिलता है, क्योंकि इंडिया से अभी से शुरू हो गया बर्थडे विश करना, तो मेरा अभी से ही जोन हो गया है कि अभी बर्थडे शुरू हो गया, जबकि कनाडा में तो शुरू होगा कल, जहां एक दिन और बचा हुआ है। सो ये बहुत मस्त फीलिंग है। टाइम हुआ है 3:35, हमने शुरू किया था ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास, 3.5 घंटे लग गए, पहले 2 घंटे मैंने किया, फिर आंचल ने 1.5 घंटे किया। तो करते करते क्या हाल हुआ है भाई? पूरा हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है ना। हाँ मेरे को भी ऐसे ही फील हो रहा था, पता है जैसे मैंने आंचल को जब ट्रांसफर किया ना, मैंने ब्रेक लिया था, वो ऐसा लग रहा था हाथ पूरा ऐसे 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 हिल रहा, बिकॉज इतना वाइब्रेशन से बहुत देर तक हो गया था वो। बट नहीं चलो ठीक है, 4 घंटे के लिए लेके आया था मैं, तो मैं अभी निकलूंगा वापस रिटर्न वो देने के लिए। आई थिंक जैसे मैंने बताया आपको $13 प्लस टैक्स वगैरह $15 के अंदर अपना काम हो गया। हमने जो है ये वाला जो डेक था पूरा कर दिया, जो हमारे घर के बाहर वाला है ये वाला डेक, देखो आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का लाइट हो गया है, तो ये पूरा हो गया है। वो वाला जो डेक है ना, वो वाला हमने मशीन से नहीं किया, लेकिन वो तो सल्यूट है यार, वो तो आई थिंक कल या परसों किया था ना तुमने, परसों के दिन पे बाप रे 2 दिन लगा के आंचल ने उसको, वो जो अपना नॉर्मल सैंड पेपर है ना हाथ से घसा है उसने, एकदम सल्यूट है यार तुमको, क्या हालत, क्योंकि मैंने थोड़ी देर किया था कल, मेरे से नहीं हुआ वो घसने वाला सिस्टम, इसलिए मैं सुबह सुबह जाके लेके आ गया ये ना। हाँ ये देखो ये कितना, ये यहाँ पे
नमनेस हो गया है ना, वो लग ही रहा है तुम्हारा हाथ पूरा ऐसे। फाइनली जो हम इतने दिनों से सोच रहे हैं, धीरे धीरे यार इतने दिनों से हम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि बारिश जो इतनी आ रही थी है ना, बारिश की वजह से आदमी आधा अटका हुआ था कामों में, वरना इंटरेस्ट शुरू से ही था, बट लेकिन आज हो जाएगा यार। वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। 3 hours and 55 minutes एंड इसका टोटल लगा $14.29, मतलब ऑलमोस्ट $15। और जो वो सैंड पेपर था वो ऑफकोर्स मैंने खरीदा था, वो मेरे को आई थिंक $11 या $12 का 6 मिला था, उसमें से मैंने आई थिंक टोटल 3 यूज किए, 3 अभी भी पड़े हुए हैं, कभी अगर आगे काम आएंगे तो मेरे को लगता है मोटा मोटा $25 में काम हो गया, विच इज एब्सोल्युटली रिकमेंडेड, क्योंकि हाथ से अगर करने बैठते हैं ना इसी चीज को, सोचो हमको मशीन से ऑलमोस्ट 4 घंटे लग गए या 3-3.5 घंटे लग गए, अगर हम हाथ से करने बैठते तो मुझे लगता नहीं हमारा हो पाता था आज के दिन पे। सो ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप रेंटल ले लो एंड जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। एंड जिस चीज का डर था वही हुआ, जैसे हमने पेंट का डब्बा खोला तीर टूट गया, तो अभी मुझे लग रहा है कि उसको देखें या हम लोग पेंट करें। अभी फिलहाल तो हम लोग क्या किए पता है, उसको कुछ खाने के लिए दे दिया क्योंकि नींद से उठा, लंच नहीं किया था उसने, टीवी चला दिया है एंड साथ में टूटू को बिठा दिया और टूटू को समझाया कि टूटू प्लीज तीर का ध्यान देना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोग फटाफट पेंट कर लेते हैं फिर, फटाफट मतलब जल्दी नहीं होएगा, 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे इसको, लेकिन कोशिश करेंगे और क्या कर सकते हैं, जब तक वो लोग अंदर बैठे हुए शांत बैठे तब तक हम अपना काम शुरू कर देंगे। ये यहाँ पर हमने शुरू कर दिया है, ये देखो ये इतना सा पेंट हो चुका है एंड यहाँ पर आंचल कर रही है, एंड हमने ना ये ऐसा लग रहा था कि ये बार बार ये प्लास्टिक की ट्रे गिर रही थी, तो हमने ना उसके नीचे स्टील की प्लेट लगा दी है ताकि ये गिरे नहीं, ऐसे इंडियन जुगाड़ किया है हमने, बट ये ना मुझे डर लग रहा है कि ये देखो ये यहाँ पर है ना, ये रेलिंग पे भी लग रहा है, सो आई डोंट नो हाउ टू डू इट, बट कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हाँ तो ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गया है करते करते, एंड ये देखो ये जो है नहीं किया हुआ है पेंट, एंड ये वाला जो कलर है ये किया हुआ है ये वाला साइड, सो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कितना फर्क है। एंड मैं आंचल को वही बोल रहा था कि अच्छा हुआ आंचल ने ये वाला कलर चूज किया, आंचल गुड डिसीजन यार, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ये डार्क लग रहा है, ये पहले कोट में डार्क लग रहा है, अगर मैंने डार्क कलर लिया होता तो और ज्यादा डार्क लगता था, जो अच्छा नहीं लगता था मेरे को लगता है, ये बहुत बढ़िया कलर लग रहा है, सो गुड चॉइस यार आंचल, ऑलवेज द बेस्ट इन टेकिंग डिसीजंस। हां तुम शादी भी तो की मैंने, बढ़िया डिसीजन लिया था ना वो भी। और जब तक हम लोग यहाँ पर पेंट कर रहे हैं, हमारे बच्चा पार्टी देखो वहां पर मस्ती कर रहे हैं पूल में, क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं यार। पेंटिंग तो हमारी हो गई, 4 बजे कुछ शुरू किया था, अभी 6:30 बज रहा है, तो 2-2.5 घंटा लग गया हम लोग को। तो इसका कलर कुछ ऐसा लग रहा है, बट मुझे लग रहा है ये अभी थोड़ा डार्क है क्योंकि अभी गीला है, तो मे बी 1-2 दिन में थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। और ये वाला भी हो गया है, तो आप लोग देखिए आप लोग को कुछ फर्क दिख रहा है कैसा लग रहा है। हम लोग ने जो कलर चूज किया था वो सीडर कलर था एंड इसका लुक ऐसा कुछ आया है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है एंड ओमकर को भी बहुत पसंद आया। आई एम हैप्पी हमने डार्क कलर चूज़ नहीं किया फ्रैंकली, क्योंकि ये बहुत नीट लग रहा है, बस हमें देखना है अभी 1-2 दिन में, क्योंकि बोलते हैं वुड वो सक कर लेती है थोड़ा सा वाटर वगैरह, तो लेट्स सी हाउ इट कम्स अप इन अ डे और टू। और अभी टाइम है जब पूल में जाने का, तो यहाँ टूटू रेडी हो गई है, ओमकर आ रहा है ऊपर चेंज करने गए, और तीत को भी हम लोगों ने डालने हैं स्विमिंग शॉर्ट्स इसके, तो ये लोग नीचे पानी में जाएंगे आज, मैं नहीं जाऊँगी, बट बच्चे एंजॉय करेंगे, हम लोग थोड़ा सा म्यूजिक लगाएंगे एंड या लेट्स इट एंजॉय द डे बिफोर फादर्स डे। फादर्स डे, ओह माय गॉड, पापास बर्थडे, पापास बर्थडे, या फाइनली जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है, हम लोग जाने वाले हैं पूल में। आई नो यार, मतलब जुलाई मिड क्या बोलूंगा, जुलाई ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, हमारी समर तो कब की शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे काम तो जो थे वो खत्म ही नहीं हो रहे थे, वो तो आपने देखा ही है, बट नेवरदलेस फाइनली वो दिन आ गया है, ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे, जो है उसके लिए खुश हैं हम लोग। और सबसे पहले कौन घुसने वाला है 2024 में पूल में, कौन जाएगा अंदर, टूटू करेगी उद्घाटन हमारा, चलो टूटू जाओ अंदर पूल में, 1, 2, 3 एंड गो, नो नो गो, हाउ इज इट, हाउ इज इट, यू लाइक इट, फाइनली भाई इतने दिनों से वेट किया है ना इस दिन का, अब ये भी है, अब दूसरा ये जाएगा, आ जाओ चले, तो भाई अब ये दोनों जाएंगे, तो ये है ओमकर और तीर्थ की बारी, वॉकिंग द रैंप, वॉकिंग द रैंप, ये मजा आ गया, लेकिन मजा आ गया, पानी थोड़ा ठंडा है, ठंडा है ना, ठंडा है थोड़ा सा, कोई नहीं, अभी कितना काम कर करके थक गए ना हम लोग,
तो ये ठंडा ठंडा पानी भी बहुत मस्त लग रहा है पता है। वो इतना ढाई तीन घंटा जो हमने काम किया उसमें हालत खराब हो गई है। चलो अभी टूटू अपना फर्स्ट जंप मारने वाली है। 1 2 3 गो। मस्त है यार, चल बहुत मजा आ रहा है। जंप जंप की जंप जंप 1 2 3 मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर आया हूँ और ये तीर्थ ना उसको अंदर बाहर आना ही नहीं, उसको बस पूरा टाइम अंदर जाना है। व्हाट टिकी व्हाट गो गो इनसाइड। उसको ठंडा ही नहीं लग रहा है पानी यार। ओ पानी ठंडा है यार। टिकी इज वाटर नॉट कोल्ड? यस यस कोल्ड। नो कोल्ड। इज इट कोल्ड और इज इट नाइस? नो नो नाइस नाइस। वो देखो होंठ ऐसे हिल रहे हैं उसके, बट बाहर नहीं निकलना है उसको। विल गो आउट? नो। हा भाई क्या मजा आया है लिटरली पूल में जाके। ऑलमोस्ट 2 घंटा तक थे हम लोग पूल में, बहुत धमाल किया। पानी जो है थोड़ा अभी भी ठंडा है। अभी हम लोग करने वाले हैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, जो कि है हमारा बारबेक्यू सेटअप करना। अगर आपको याद हो जब हमने बारबेक्यू खरीदा था, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक उसको हमने ना गाड़ी में ही रखा हुआ है। ये रहा देखो, हमने ना उसको निकाला ही नहीं था क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा उसको रखेंगे कहाँ पे। फाइनली मैंने सोचा कि चलो आज निकाल देते हैं। अब ये उठेगा कैसे सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अभी मेरे को लगता तो ये 50 किलो उठा पाऊंगा मैं। ट्राई करते हैं किसी तरह से खींच के अंदर तक ले जाना है इसको। एक बार अंदर आ गया तो वहाँ पर ओपन करके सेटअप कर देते हैं। बहुत भारी है ना? बहुत भारी है, तो हिलता भी नहीं है यार। जिम में 50 किलो हम लोग उठा लेते हैं, लेकिन वो अलग होता है, पता है क्यों? वो कंडेंस्ड है ना पूरा। एग्जैक्टली, ये इतना बड़े में 50 किलो अगर फैला हुआ है तो कैसे उठाएगा बंदा? ए, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ये भगवान, केयरफुल केयरफुल, अपना हाथ ना तोड़ लेना। आई कार्ड मैं हेल्प करती हूं। तो प्लान में चेंज, वैसे तो प्लान था इसको अंदर ले जाने का, लेकिन आंचल ने एक बहुत ही मतलब दिमाग वाली बात बोली है। उसने क्या बोला पता है, कि हमारे पास ऐसा कोई व्हील वाला कोई चीज तो है नहीं जो इसको उस पर रख के ले जा सकते हैं, लेकिन बारबेक्यू है उस पर तो व्हील्स है ना। तो मैं आंचल बोलती कि यार यहाँ पे बना लेते और वहाँ पे धक्का मार के ले जाएंगे। मैंने कहा हाँ यार, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया दिया तुमने, तो यहीं पर रख के खोलेंगे, यहीं पर सेटअप करेंगे एंड आराम से धक्का मार के अंदर ले जाएंगे। सच अ सिंपल टास्क। इसको बोलते हैं वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। सही बात है, मैं बोल रहा था नहीं, अंदर तक ले जाते हैं। दिस वाज अ बेटर आईडिया। अरे यार ये फिर से एक और इंस्टॉलेशन के लिए देखो कितना सारा पार्ट्स है। किताबें मैंने स्कूल अपनी कॉलेज में नहीं पढ़ी है ना, उतनी किताबें मैंने कनाडा के पढ़ी। सच में यार, ये मेरे को लगता है इंडिया में मेरे को कभी याद नहीं है कि मेरे को इतना सब सेटअप करना पड़ा है। ये बड़ा बवाल है साला इधर पे, है ना। जो भी चीज नया खरीदो आपको बैठ के पहले सेटअप करना है। क्या मगज मारी है। सब लो, अब इसको कम से कम 1 घंटा लगेगा और टाइम देखो ऑलरेडी 8:30 हो गया है। आई एम नॉट श्योर कि हम लोग कितना देर मतलब लगा पाएंगे, बिकॉज डे लाइट जो है वो भी खत्म हो जाएगी। अभी देखो हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हमने कोई चीज कनेक्ट की हो, वो गलत की हो, उसको फिर से खोलना पड़े। तो ये जो है आगे का साइड है, यहाँ पर लॉकिंग व्हील्स होने चाहिए, यहाँ पे नॉन लॉकिंग व्हील्स होने चाहिए। हमने यहाँ पे लॉकिंग व्हील्स लगा दिए गलती से, तो ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको फिर से खोल रहे हैं हम लोग। चल, ये हमेशा का होता है ना हमारा, हमारा गिवन नहीं। टाइम हुआ है 9:20 और इतना कुछ बन चुका है। देखो ये सिर्फ नीचे का स्टैंड वगैरह बना है। अब कोशिश मैं कर रहा हूँ तब से, ये जो आपको छोटा होल दिख रहा है ना, ये स्क्रू को बिल्कुल सीधा अंदर डालना है, बट वो जा नहीं रहा है। और एक्चुअली अंधेरा इतना हो गया, एग्जैक्टली अंधेरा इतना हो गया ना, लाइट नहीं है, तो उस वजह से बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक इसको यहीं पर छोड़ देंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे कल। क्या बोलते हैं? ऑलमोस्ट डन है क्या? बट हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिकॉज़ थोड़ा माइन्यूट चीज है, क्योंकि मुझे चाहिए था कि आज हो जाए किसी भी कीमत पे, कल तुम्हारे बर्थडे वाले दिन। मुझे आई डिडंट वांट कि ये सब बवाल लेके बैठे हम लोग। कोई बात नहीं, जल्दी उठ के जल्दी बना लेंगे ताकि लंच पर इस पे करेंगे। मेहनत की हुई रहेगी और उसका जो स्वाद आएगा ना उसका मजा अलग ही आएगा। मैरिनेट नहीं किया तो मैरिनेट कर देते हैं। हाँ।
sleep night and we're gonna party. गुड जॉब. जो भी आपको समझ में आ गया ना क्या बोला उसने, उसने वही बोला, मतलब रात को पार्टी वार्टी करेंगे वही सब बोला उसने. नहीं चलो ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, यहीं छोड़ इसको अभी. ये देखो ये सब, हाँ बारिश नहीं है बस, तो ये सब खुला सामान हमारा ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ होएगा तो नहीं, बट अपने को टेंशन नहीं है. चलो तो गाइस आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर करिए आप अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ. अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट्स हो, कोई सजेशन हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स यूज करके कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ. टिकी भी आ गया, टिकी ने बोला खास स्टे सेफ करने के लिए. स्टे सेफ कर दो. स्टे सेफ. कितना मस्त बोला ना आज उसने, फाइनली इतने एकदम दिल से बोला एकदम. आज आपको सबको सेफ रहना ही पड़ेगा भाई. आज बहुत एकदम प्रेशराइज एम्फेसिस करके बोला उस पे पूरा. बिकॉज़ पापा इज बर्थडे टुमारो. Whoa!